हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए अब तक के टॉप 10 मोस्ट आईएमडीबी रेटेड कुछ ऐसे इंडियन इंटरेस्टिंग सीरीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि नेटफ्लिक्स इंडिया पे अब तक हाईली आईएमडीबी रेटेड है और सभी सीरीज वाकई काफी तगड़ी। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है या फिर लेने की सोच रहे हो तो फिर ये वीडियो आप सभी के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना कहीं स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। और नंबर 10 की प्लेस पे है 2021 में आई बेहद इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज अर्नेक, जिसे आईएमडीबी पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है हिमाचल के एक छोटे से शहर जहाँ पे कुछ फॉरेन टूरिस्ट घूमने के लिए आए होते हैं, पर उनकी लाइफ उस वक्त पूरी तरह से बदल जाती है जब उनकी बेटी की डेड बॉडी जंगल में पेड़ पे टंगी हुई मिलती है। और वहाँ के लोगों का मानना है ये कोई और नहीं बल्कि नर तेंदुए ने किया है। तो आखिर इस नर तेंदुए के पीछे की आखिर मिस्ट्री क्या है और क्या अंत तक कातिल का पता लग पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो 8 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगली सीरीज है गम्स एंड गुलाब, जिसे IMDb पे 7.8 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है। और इस सीरीज के बारे में कुछ और बताने से पहले बस मैं आपको इतना बता देना चाहूंगा कि इस सीरीज को राजन डीके ने बनाया है, जिन्होंने द फैमिली मैन और फर्जी जैसे टॉप क्लास की सीरीज को भी बनाया है। और इस बार नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर इन्होंने कुछ अलग ट्राई किया है, जिसमें 90s के दौर को एक बार फिर से दिखलाई गई है, जिसमें काफी सारे गैंग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं अपने अफीम के बिजनेस को आगे बढ़ाने में। पर इसी के साथ सीरीज में लव एंगल, रोमांस के साथ कॉमेडी का तड़का भी डाला गया है। ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है जिसे आप सभी को तो मिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीरीज है 8.0 IMDb रेटिंग के साथ काला पानी, जिसे IMDb पे 8.0 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस की गई है अंडमान निकोबार टापू पे, जहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही होती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे भीड़ इकट्ठा होने लगते हैं। और इसी दौरान वहाँ पे एक वायरस फैल जाता है और इसके बाद जो वायरस की मंजर दिखलाई गई है भाई साहब, वो वाकई काफी ज्यादा ब्रूटल है। तो आखिर इसके बाद वहाँ के सभी लोग सर्वाइव करने के लिए आखिर आगे क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देखकर जानो। नेक्स्ट नंबर 7 पे है 2020 में आई रणदीप हुड्डा की पहली वेब सीरीज कैट, जिसे IMDb पे 8.2 की काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी सेट की गई है 2006 में पंजाब की, जब ड्रग्स माफिया पूरे पंजाब में फैले हुए थे और इसी ड्रग्स कार्टेल को खत्म करने के लिए एंट्री होती है रणदीप हुड्डा की एज अ कैट। तो आखिर वो ये पंजाब में इतने बड़े ड्रग्स बिजनेस को आखिर कैसे खत्म करते हैं और इसके लिए उन्हें क्या कुछ करना पड़ता है, ये तो आप इस सीरीज देखकर ही जानो, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। और स्पेशली रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली, जिसे आप चाहो तो नेटफ्लिक्स से डायरेक्टली देख सकते हो। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट में अगले नंबर 6 पे। और नंबर 6 के प्लेस पे 2016 में आई बेहद इंटरेस्टिंग रोमांस कॉमेडी ड्रामा सीरीज लिटिल थिंग्स, जिसे IMDb पे 8.2 की रेटिंग मिली हुई है। और इस सीरीज की अब तक टोटल 4 सीजन आ चुके हैं, जिसमें स्टोरी मेनली दिखलाई गई है ध्रुव और काव्या नाम के एक ऐसे लड़के और लड़की के, जो कि एक दूसरे से बेहद ही ज्यादा प्यार करते हैं और वो लिव इन रिलेशनशिप में है। और इसी दौरान उनके बीच आखिर जो कुछ भी खटपट रोमांस होती है सीरीज में काफी खूबसूरत तरीके से दिखलाई गई है, जिसे आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ एंजॉय जरूर करोगे। नंबर 5 खाकी द बिहार चैप्टर, जो कि 2022 में आई बेहद इंटरेस्टिंग थ्रिलर सीरीज है, जिसे IMDb पे 8.2 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है बिहार में एक ऐसे दौर की जब पूरे शहर में धांधलीबाजी चल रही होती है और मारकाट, खून खराबा, लूटपाट ये सब आम सी बात होती है। पर कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो तब आती है जब IPS ऑफिसर अमित लोढ़ा की एंट्री होती है। और आखिर इस गुंडई राज को खत्म करने के लिए आखिर वो अंत तक क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न वाकई बेहद ही कमाल के हैं, जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से देख सकते हो। अगली सीरीज है 2023 में आई बेहद ही टॉप क्लास की हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिलर सीरीज द रेलवे मैन, जिसे IMDb पे 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी 1984 में हुई एक रियल इस्टेट भोपाल गैस ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड है, जब गैस लीक होने की वजह से एक ही रात 15,000 लोगों की जान चली जाती है, जिनमें से आधे लोग तो सपने में ही थे। और इस सिचुएशन को जिस तरह से सीरीज में दिखलाई गई है वो वाकई बेहद ही ज्यादा कमाल की है, और स्पेशली कास्टिंग जिन्होंने सीरीज में जान ही डाल दिया है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को एक बार जरूर देखें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट में अगले टॉप 3 की ओर। पर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की। खैर इसी के साथ नंबर 3 के प्लेस पे है टेलीग्राम, जिसे IMDb पे 8.5 की काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, और स्पेशली सीजन 1 इसका मुझे काफी पसंद आया था, जिसकी स्टोरी दिल्ली में हुई सच्ची घटना निर्भया गैंग रेप से इंस्पायर्ड है, जिसमें दिल्ली जैसे शहर में एक लड़की के साथ एक बस में कुछ लड़कों का ग्रुप मिलकर उसके साथ काफी घिनौना सलूक करते हैं। तो आखिर इसके बाद दिल्ली पुलिस उन हथियारों तक कैसे पहुंचती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी, जो कि वाकई काफी ज्यादा एंगेजिंग है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स पे अब तक की सबसे पॉपुलर सीरीज 2018 में आई सेक्रेट गेम, जिसे IMDb पे 8.5 की रेटिंग मिली हुई है। और मेरी तरह आप में से भी ऐसे काफी सारे लोग हो सकते हैं जिनकी ये पहली वेब सीरीज थी, जिसकी स्टोरी मेनली गणेश कायतुंडे के लाइफ पे फोकस करती है कि आखिर कैसे एक छोटे से बस्ती का गरीब सा लड़का आज इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाता है। इसी के साथ सीरीज में बेहद ही ज्यादा गाली के साथ एडल्ट सीन भी डाले गए हैं, तो अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। तो
चलिए फाइनली बढ़ते हैं आज की इस लिस्ट में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल अब तक की मोस्ट आईएमडीबी रेटेड सीरीज की और जो कि है टीबीएफ फैलो की ओर से कोटा फैक्ट्री, जिसे 9.0 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी रेटिंग एक दो लोगों ने नहीं बल्कि 80,000 से भी ज्यादा लोगों ने किया है और इसके बावजूद भी 9.0 की रेटिंग मेंटेन कर पाना काफी बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हो ये सीरीज लोगों को आखिर कितनी ज्यादा पसंद आई होगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी स्टोरी से हर कोई रिलेट कर सकता है। इसकी स्टोरी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे जो है, जिसे देखने के बाद तो आप जीतू भैया के अलग लेवल के ही फैन हो जाओगे। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये सभी सीरीज आप सभी को पसंद जरूर आए होंगे। हाँ, पर इस लिस्ट की आपकी सबसे फेवरेट सीरीज कौन सी है आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।